पंजाब सरकार वालों 15 अप्रैल तो कणक की खरीद शुरू है। तुसी मैं इस वक्त खड़ा मोगा की अनाज मंडी विच, तुसी देख सकते हो मंडी के प्रबंध सफाई की गई है और ये लगाए गए ने हाशिए लगाए गए ने, ये ही किसान जगह दी जाएगी इतने कणक की ट्राली उतारन वास्ते, अलग अलग किसानों इतने इतने आने वास्ते जगह दी गई भी है। ये हाशिए दे विच रह के इतने आदि किसान अपनी फसल उतारन गए तो ये इतने बिच ही किसानों की फसल जी इतने चकी जाएगी। साढ़े नाल कुछ आड़ती भरा जुड़े हुए ने, उन्होंने गलबात करते हैं की कहना उन्हों का किमें तैयारियां है। सत श्रीकाल जी सर, मंडी के जो प्रोग्राम जो कि भी है किमें है इंतजाम? सर इस तरह भी जोड़ा सीजन आ वो प्रशासन तौर पर जो मंडी बोर्ड वालों मार्केट कमेटियां वालों प्रबंध मुकम्मल किए गए हैं, पर जो ऐतकी महामारी फैली हुई है वो मद्देनज़र असी अपनी लेबर आड़ती भरा तो किसान का पहला सेहत पक्ष तो ख्याल रखते हुए इस थोड़ा जहा सरकारी हिदायतों के मुताबिक सीजन में लिंगर ऑन करना, जिहड़ी कणक अगे 10 या 15 दिन के मंडियों तुर के फ्री हो जाता किसान। ऐतकी वह सरकार ने 2 महीने लंबा टाइम दिता, उन्हूं महीना घट तो घट या 45 दिन के कोशिश है साड़ी भी इनू नेपरे चाढ़िया जाए ताकि किसानों का कट ना बजे। ये जरूर है भी किसानों एक प्रॉब्लम जरूर आनी है, वो साडा कि किसानों तकरार भी हो सकता भी किसान की कंबाइन खेत जो कटाई करती है तो असी उन्होंने एक ट्राली का गेट पास दईए तो उन्हें कहना मैं सारी सीटनी आ, ये मुसीबत का भी सामना सानू करना पैना। सो असी कोशिश करा प्रशासन का साथ भी देंदे हुए तो किसान भी सैटिस्फाइड करके इस प्रबंध में महामारी देखते हुए पूरा सावधान हो के निपरे चाड़ किसानों का कट ना हो क्योंकि कणक आएगी बारी बारी सारे किसान आ जाएंगे, ये की प्रबंध किए गए हैं? ये मार्केट कमेटी वालों जो अज मीटिंग हुई सी डीसी साहब की प्रोक्योरमेंट एजेंसियां सारिया उत्थे ते सारे ही मंडिया के प्रधान साहबान साडी डिस्ट्रिक्ट की एग्जीक्यूटिव बॉडी से उहदे विच मार्केट कमेटी एक टोकन इशू करेगी तो वह ट्राली है जी टोकन के नाल ही उस यार्ड के आएगी, उस तरह टोकन तो बिना कोई ट्राली नहीं आ सकेगी। इस करके ही थोड़ा जहा खदशा भी किसान निराश होणगे साढ़े नाल क्योंकि जो कंबाइन खेत लग जाती है तो उत्थे कोई ट्राली की पमैश नहीं रही, जे 10 या 20 किले उहदियां ट्रालियां 8 या 10 हो गई तो जे उहनू पास 4 या 5 मिलते हैं उहनू साडी वंड के मुताबिक भी इहनू असी जे फर्ज कर लो भी साढ़े मेरे को 10,000 गट्टा आउंदा अगे मैं 10 दिन च तोलदा 1,000 गट्टा है कि मैं उहनू महीने च तोलना तो मैं 300-400 गट्टे तो वध तोल नहीं पावांगा तो फिर मैं किसान की रिक्वेस्ट करनी पेगी भरा तू 2-3 ट्रालियां लै आ कि किसान एक दूजे नाल भी ऐसा निराश ना साडा हो जाए भी तुसी फलाने नू टोकन देते तो मैनू नहीं दिते। जिहड़ी साडे वास्ते वड्डी समस्या यही आएगी भी किस किसान नू असी गेट पास टोकन दईए किस नू ना दईए, पर यह प्रशासन का साथ देंदे हुए सारे किसानों भी यह गल तो जाणू करवाया जाएगा भी तुहाडी सेहत पहला बाकी गल्लां सारियां बाद। किन्नी आमद है जिहड़ी आउंदी है? देखो जी मोगा मंडी दे विच जो साडी अराइवल आ तकरीबन असी इनू 8 लाख गट्टे की लैके चलते हैं क्योंकि साड़ी 8 लाख गट्टे की अराइवल इस करके घट है क्योंकि साढ़े कोले बल्क दे विच अडानी डगरू जो बने हुए हैं तो उत्थे बल्क दे विच माल उतरदा 16 तो 20 लाख गट्ठा जिहड़ा हैगा उत्थे सीधा बल्क दे विच खाली उतर जाना जिहड़ा साढ़े मोगे जिले वास्ते बहुत वधिया गल आ ते किसानां वास्ते बड़ी वधिया, उत्थे दूरी भी बनी रहनी है ते सारी कणक भी सही ढंग नाल चल जानी आ। अगर जे अडानी नहीं चलता तो फिर वह जिन्हें वास्ते सारे वास्ते मंडिया वास्ते बड़ी वड्डी समस्या गल आ, फिर मोगा मंडी है जी 14-13-14 लाख गट्टे चली जाती है पर अडानी चलन करके साड़ी इतों 7 तो 8 लाख गट्टे का साडा झाड़ का डिफरेंस भी रह जाता है कि जी हैगी फसल का झाड़ किस तरह वधदा जां घटदा उहदे ते डिपेंड है। अगर असी साड़ी एक असी चाहते हैं भी सरकार कितें किसान नूं इनसेंटिव दे देवे महीने का तो यह आपे अपनी लिंगर ऑन हो सकता भी कोई 50 रुपये या 100 रुपये जिवें 15 तो 30 अप्रैल तक तो 30 अप्रैल तो मई के ही इन्ना ही दे देना तो हरेक किसान 15 दिन रुकने की कोशिश करेगा तो ये मंडियों तो जो राशन कंट्रोल किया जा सकता।